हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो फाइनली आज हम कहीं और घूमने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और यहाँ पर आगे लगता है रास्ता बंद कर दिया है। भाई ये कौन सा नया रास्ता निकल रहा? तो कुछ दोस्तों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए और बहुत ही बढ़िया स्पॉट बनाया रखा है, तो ऐसे अगर स्पॉट मिलता रहा तो एक दिन ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। ऐसे ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपना फुल सपोर्ट बनाए रखें। उन दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ इतने में बने हैं, जो अभी जो साथ दे रहे हैं दोस्त वो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी जो हौसले बढ़ाते हैं वही आदमी का क्या हौसला बनता है कि हाँ यार मैं वीडियो बनाऊँ और आगे बढ़ूँ। तो अभी हम फिलहाल गांव से निकल चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बाइक की स्पीड भी बढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
लगता है 9 लोग नरेगा के में जा रहे हैं। अनजाने लोगों के लिए रोजगार राजस्थान में एक नरेगा ही है जो सरकार एक बेस्ट ऑप्शन देती है। इससे क्या है कि लोगों का रोज़गार हो जाता है। राजस्थान में ना ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं मजदूरी के लिए, आम लोग हैं उनके लिए रोज़गार सबसे बढ़िया यही है नरेगा। देखते हैं आज की जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें किस प्रकार रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ हद तक बेहतर रिकॉर्ड हो, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कुछ हद तक बेहतर रिकॉर्ड हो। यार बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि शुरू शुरू में जो भी वीडियो बनाता ना तो उसमें दिक्कत होती है। हर चीज़ में दिक्कत आती है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो बोलने की दिक्कत भी दूर हो ही जाएगी धीरे धीरे। क्या यार गाड़ी चलाना नहीं आता तो ये घर से क्यों ले गया था पता नहीं, कीचड़ बहुत है यार। बोलते जा रहे हैं पता नहीं बाद में पता चलेगा आवाज़ रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं हुई। हेलमेट
क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है, क्योंकि मेरे शुरू से मेरी सीट के साइज का नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो इस हिसाब से इसमें दिक्कतें आ रही है। इतना जैसा भी साइज का कर चुका है तो आ जाए रे। हाँ ये है कि ना उठे जार पते करना बैठ जाता चल रहे हो चल रहे हो आवाज रिकॉर्ड हो रही है हाँ सेट कर दे तू गानों बंद करने पर टून ना है रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओ भाई ट्रैफिक लग गया है आज तो यहाँ पे
भाई साहब यहाँ की बहुत ज़्यादा दशा बिगड़ी हुई है। ऑलरेडी अपना काम कर रहे थे, बच्चों को रोड पे छोड़ रहा था यार। ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।